नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। बिहार से आ रही है, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना के कारण मौत हो गई है। पटना के पारस अस्पताल में आज सुबह मेवालाल चौधरी की मृत्यु हो गई। पिछले हफ्ते पॉजिटिव होने के बाद मेवालाल चौधरी को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेवालाल चौधरी मुंगेर के तारापुर से विधायक थे। संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, आप थोड़ा जानकारी दें इस बारे में। इलाज उनका चल ही रहा होगा, जैसा कि हम इस खबर में देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, तारापुर मुंगेर जिले में है इनकी सीट, जहां से विधायक हैं। वहीं पर जब थे तब वहां पर इन्हें कुछ शुरुआती लक्षण दिखे थे, और उसके बाद जब वो पटना पहुंचे तो पटना के पारस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, और आपको याद होगा इनकी चर्चा देश भर में हुई थी जब ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे अभी हाल में, और लेकिन बाद में कुछ मामले आए, उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था। सिर्फ एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री ये बन सके थे, लेकिन जिस तरह से उनको कोरोना हुआ और उसके बाद जब पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर उन्हें फिर ऑक्सीजन लेवल उनका काफी कम हो गया, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और सुबह उनकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार में कोरोना की हालत बहुत ज्यादा विस्फोटक होती जा रही। पिछले 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। जिस तरह से कोरोना बिहार में बेलगाम हो रहा है, उसे देखते हुए नीतीश सरकार को एक्शन में आना पड़ा है। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा 15 मई तक सभी स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर कैसे हुई है कार्रवाई, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।